आप जख्मी हैं और इस हालत में इब्लिस का सामना करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। उसका सामना करने के लिए मैं जाऊंगा अकेले। काश इब्लिस के इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दे पाती अली। अम्मी जान, इब्लिस का सामना करने के लिए आपकी दुआएं ही मेरे लिए काफी हैं। आप बस मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता बताइए। तुम्हें सबसे पहले पहले मीनार की आखिरी मंजिल तक पहुंचना होगा। वहां पर इब्लिस मर्जीना के साथ निकाह करने वाला है। मर्जीना को बचाकर तुम्हें इब्लिस को वहीं रोकना होगा ताकि वो सातों आयामों के दरवाजे खोलने की रस्म ना पूरी कर सके। इसलिए जब नीले सितारे की रोशनी मीनारों पर पड़ेगी तब तुम किसी भी तरह इब्लिस के काले दिल को हासिल कर लेना और अपने रोशन दिल से जोड़ लेना। इससे सात आयामों का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इब्लिस का ख्वाब खाक बन जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। क्योंकि अब तुम्हारे अली बाबा खाक हो जाएंगे, क्योंकि मीनार के उस पार इब्लिस नहीं मौत अली का इंतजार कर रही है। छलावा, सिमसिम ने बाबा को अपने छलावे में फंसा लिया। अब तो अली की मदद बस खुद ही कर सकते हैं। आज सिर्फ इब्लिस का ही नहीं बल्कि सिमसिम का भी ख्वाब पूरा होगा, क्योंकि आज मेरे नूरे निगाह बनेंगे शहंशाह शैतान और मैं बनूंगी उनकी मलिका। इससे पहले कि इब्लिस हमें जबरन अपनी बेगम बनाने में कामयाब हो जाए, आप हमें बचा लीजिए अली, बचा लीजिए हमें। मुझे माफ कर दीजिएगा मुस्तफा, मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गई। मैं हमारे बेटे अली को इब्लिस से नहीं बचा पाई। नहीं, इस वक्त अली को हमारी जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। कुछ भी करके इब्लिस के कैद से खुद को आजाद कराना होगा। अगर सच में यहां पे अली होगा तो इस आवाज को जरूर पहचान जाएगा। देखिए मेरे नूरे निगाह, मैं आपके होने वाली बेगम को अपने साथ लाई हूं। बहुत खूब, आपके निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं तो खामखा घबरा रही थी, डर रही थी कि मेरे नूरे निगाह तुमसे मोहब्बत करते हैं, पर सच तो ये है कि वो तुमसे मोहब्बत के लिए नहीं
तुम्हारी कुर्बानी के लिए तुमसे निकाह करना चाहते हैं। तुम लोगों की शैतानी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सिमसिम, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमारे अली आएंगे तुम्हारे मकसद और तुम्हारा खात्मा करने। हमें अली की मोहब्बत पर पूरा यकीन है, अली हमें कभी मायूस नहीं करेंगे। उफ, ये यकीन पर अफसोस कि बहुत जल्द ये यकीन टूटने वाला है, क्योंकि मैंने अली को पहले मीनार में भेज दिया है और वहां मौत बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है, और वहां पहुंचते ही वो इतना कमजोर हो जाएगा कि शमशीर तक नहीं उठा पाएगा वो, और उसके बाद बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे मेरे नूरे निगाली से वो रोशन दिल। या खुदा, अली सिमसिम की इस चाल को समझ जाए और वो पहली मीनार में ना जाए। रहम करना खुदा, मदद करना अली की। अच्छा हुआ मैंने सिमसिम का चेहरा पानी में देख लिया, नहीं तो उसके जाल में मैं फंस जाता। लेकिन अगर सिमसिम मुझे उस पहली मीनार में भेजना चाहती थी तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा खतरा है। क्या करूं अब, कैसे कैद करूं मैं इब्लिस को? अगर मेरा भाई हातिम यहां होता तो इब्लिस के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती। ये तो उनको हातिम बचाता था। हातिम, इसका मतलब है कि हातिम आसपास ही कहीं है। हातिम, हातिम। बहुत खूब, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं यह काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे तजुर्बे की जरूरत है। हम जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब ध्यान से सुनो हम क्या कहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस तरकीब को कामयाब करने में तुम अमल करोगे। तुम्हें इब्लिस के पास जाना है और उसे जंग के लिए ललकारना है, उसे मजबूर करना है कि वो अपने काले दिल से तुम्हारे पाक दिल पर वार करें। पर उसे क्या होगा शहजादे? उससे होगा ये कि जब वो अपने काले दिल से तुम्हारे रोशन दिल पर वार करेगा, दोनों ताकतें आपस में जुड़ जाएंगी और वही सही वक्त होगा, वही सही मौका होगा इब्लिस के काले दिल को हासिल करने का। और जैसे ही तुम हासिल करो, ध्यान रखना जब तक नीला तारा चांद से होकर ना गुजरे, तुम्हें इब्लिस के हाथ नहीं लगना है। अब तक तो अली पहली मीनार के मौत के दलदल तक पहुंच गया होगा। जी मेरी नूरे निगाह। आए हो, अब तक पहुंचा क्यों नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, अली अपनी अम्मी की बात कभी नहीं डालता, वो मीनार में पहुंचता ही होगा। सिमसिम, ऐसे ही नहीं मोहब्बत करते हम अपने अली से। जहां तुम शैतानों की सोच खत्म होती है, वही हमारे अली की सोच शुरू होती है। मर्जीना, रुको सिमसिम, निकाह तक ये शहजादी हमें सही सलामत चाहिए। निकाह के बाद तुम खुद इसकी कुर्बानी दे देना। खात्मा तो तुम्हारा होगा इब्लिस, हमारे अली खुद तुम्हारा खात्मा करेंगे। इंतजार करिए, अली आते ही होंगे।
मालूम करो कहां रह गया वो रोशनी और मुस्तफा का बेटा। जी मौत के पीछे जाने की जरूरत नहीं है इब्लिस। क्योंकि आज मौत खुद चल के तेरे सामने आ गई है। इब्लिस बहुत जल्द नीला सितारा चांद के करीब से होकर गुजरने वाला है। सिर्फ उतना ही वक्त है तेरे पास, क्योंकि इन चंद लम्हों में मैं तुझे तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा और फिर तुम्हारा खौफ, तुम्हारी साजिश और तुम्हारी ये दास्तां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा अली बाबा। तुम्हें इस बात का इल्म भी है लड़के कि तुम किससे मुखातिब हो? हमें चुनौती देने की गुस्ताखी कर रहे हो। मालूम है मुझे, एक ऐसा शैतान जिसके जिस्म को पहले ही निस्तनाबूद कर चुका हूं मैं, पर आज उसके जिस्म को खाक करने की बारी है। खुदा बनने चले थे ना तुम इब्लिस, आज उसी खुदा का बंदा मेरी मौत का कारण बनेगा। अली बहुत गुरूर है तुम्हें अपने आप पर। आज मैं तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारी ताकत भी छीन लूंगा। मेरे नूरे निगाह, आप इसकी बातों में ना आए, हो सकता है इसकी कोई चाल हो। चाल तो तुम भी यही मानती हो सिमसिम कि तुम्हारे शहंशाह शैतान एक मामूली इंसान से मात खा सकते हैं? तो बोलो अपने नूरे निगाह को कि अपनी हार कबूल करे। तुम इंसानों की यही खासियत होती है, नामुमकिन को मुमकिन करने की जिद नहीं छोड़ते। लेकिन आज मैं तुम्हारा ये रोशन दिल हासिल करके तुम्हारी ये उम्मीद ही खत्म कर दूंगा। सिमसिम तुम जाओ और तैयारी करो हमारे शहंशाह कायनात बनने की। तब तक हम इस उम्मीद के परिंदे से इसका रोशन दिल हासिल करते हैं। सोचा था कि बहन नहीं तो भांजा ही साथ देगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मौत चाहिए। दो इब्लिस, आज तेरी काली ताकतों का, तेरे नापाक इरादों का और तेरे इस काले दिल का खात्मा करेगा ये अली। अपनी ताकत के गुरूर में शायद तुम ये भूल गए कि मेरे पास भी रोशन दिल की ताकतें हैं। तुम बोल रहे हो अली, अगर तुम्हारे पास पाक रोशन दिल की ताकत है तो मेरे पास भी काले दिल की ताकत है। आज तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता अली बाबा। अली!
चाहिए। लो, मर गया तुम्हारा अली और खत्म हो गई अली बाबा की दास्तान। शहजादी मर्जीना, अब तुम्हें कौन बचाएगा हमारी होने वाली बेगम? कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है तुम्हें निकाह के इब्लिस। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास ये जो काला दिल है उसकी है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुमसे तुम्हारा काला दिल छीन लिया जाए। आज चाहे कुछ भी हो जाए पर ये काला दिल हम इब्लिस के हाथ नहीं लगने देंगे। अरे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जाओ अली। छोड़ दो मेरे नूरे निगाह को। सिमसिम, हमारी मोहब्बत, हमारी मल्लिका, हमारा काला दिल लाकर तुमने साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा वफादार और कोई नहीं। मेरे नूरे निगाह, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी मर्जी से वो रोशन दिल मेरे नूरे निगाह को दे दो, वरना तुम्हारी अम्मी अम्मी झूठी फिक्र मत दिखाओ अली। अली, अपनी मर्जी से रोशन दिल मेरे हवाले करोगे या अपनी अम्मी को ऐसे ही मरते हुए देखना चाहते हो? मैं इब्लिस को खत्म करने के लिए अपनी अम्मी की कुर्बानी नहीं दे सकता। सोच क्या रहे हो, जल्दी करो और रोशन दिल मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी अम्मी जलकर खाक हो जाएगी। नहीं, रुक जाओ, बुझा दो इस आग को। मैं अपना रोशन दिल तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं इब्लिस। For more updates,
subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.